अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। मैं तारी कसम खाती हूँ चाची, ये वाकया हुआ है कि मानव ने मेरे सामने मारे को देखकर कहा कि हमारा बेटा नहीं। लाजोंडी को सब कुछ याद है, तो फिर हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपका और सिर्फ आपका बेटा हूँ। कोई सवाल जवाब मत कीजिए और वसंत भैया के घर जाकर नॉर्मल पेश आइएगा। जैसे कि वक्त रिवाइंड के बारे में आपको कुछ नहीं पता। कब तक संभाल पाऊंगा मैं इस सच को? लगता है घोटालों की तरह मेरा भी मेरे सच को सामने लाने का वक्त आ गया है। अरे वाह, समोसा बच गया। अरे मुरली भाई, आप फिर से आ गए। थोड़ी देर पहले तो लेके गए थे समोसा और कचौरी। ये बोल रही हो भावना भाभी? हाँ, थोड़ी देर पहले आपने ये टेबल के नीचे से चिट्टियों वाली कचौरी उठाई थी। थैंक यू याद दिलाने के लिए। ये ओझा अंकल, एक मिनट, ये चिट्टियों वाली कचौरी भी खाएंगे आप? के 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 मतलब है थारा वर्षा? अरे मारे इतने बुरे दिन में नहीं है कि चिट्टियां लगी कचौरी खाऊं। बाकी घर पे मेहमान भी तो आते हैं ना। एक मिनट, ये सर रिपीट टेलीकास्ट क्यों हो रहा है? पापा, लगता है भावना आंटी की भी यादें। हो सकता है। भावना आंटी, क्या है ना, कभी कभी किसी व्यक्ति को मिलने के बाद या किसी घटना को देखने के बाद ऐसे लगता है कि हम उस घटना को या उस व्यक्ति को पहले भी मिल चुके हैं। उसे पूर्वानुभव कहते हैं। तो आपको क्या लगता है, फ्यूचर देखने का सुपर पावर आने लगा है मुझ में आप लोगों के साथ रह रहे के? हो सकता है। ये सब छोड़िए ना भावना आंटी, बताइए पार्टी कैसी लगी? तम्बूरा लगी। वर्षा, तुझसे यही कहने आई थी मैं कि तुझे गृहस्थी के सारे काम सीखने पड़ेंगे, वरना अगली बार जब हमें खाने पे बुलाओगी तो फिर से घर से ही खाना लेके आना पड़ेगा हमें। आज से मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगी। भावना आंटी, बाकी मिल ले जाइए, इसे कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता का क्या मतलब है? नहीं, मतलब मैं एकदम बेकार हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम बहुत सारी गलतियाँ करती हो। हाँ, आप तो कोई गलती करते ही नहीं है ना। अब छोटी सी बात को लेकर भड़क गई। अब आप ही बताइए भावना आंटी, गाजर का हलवा इसने बनाया, उसमें मूली डाली इसने। हैं? हाँ? हैं क्या? भैरवी ने बोला था, भैरवी ने कहा था कि गाजर और मूली सेम होते हैं, दोनों जमीन के नीचे उगते। जमीन के नीचे तो लहसुन और अदरक भी होते, वो भी डालेगी क्या हलवे में? वो डालने वाली थी भावना आंटी, लेकिन था नहीं ना घर में। बोलो, ये तो कुछ भी नहीं, ये वॉशिंग पाउडर भी डालने जा रही थी। हाय हाय। हाँ तो मूली में दाग थे, इसलिए डालने वाली थी वॉशिंग पाउडर। अरे ये हमारे को चाइनीज एलियन लगे, चाइनीज में बात कर रहे हैं। ओए मन माता पिता, जरा हिंदी में बोलो ना भाई, हम लोग भी खड़े हैं यहाँ पर। सॉरी बापदा आंटी, इनको इतना सब कुछ आता है ना, तो एक दिन सिर्फ खाना यही बना के दिखाएंगे मुझे। के 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 बोल रही हो वर्षा? अरे तुम्हारे घोटाले को चैलेंज कर रही है, है? हाँ। थारे कहने का मतलब है मारे घोटाले को कुछ नहीं आता? तो ठीक है, कल शाम ये फिर से सबको पार्टी देगा और सबको खाना खिलाएगा अपने हाथों से बनाकर। क्यों घोटाला, कहाँ है हाथ? बढ़ाओ, लगाओ शर्ट 501 रुपए की। टैक्सी मंगाओ, प्लेन मंगाओ, कुछ भी मंगाओ, मैं कॉलोनी छोड़ के जाने को मांगता है। रॉनी भैया, रॉनी भैया, रॉनी भैया, क्या है? रॉनी भैया, घर छोड़ के जाने की बात कहाँ से आ गई? मेरे को इधर रहने का इच्छ नहीं है। वो घोटाला खाना बनाएगा और हम लोग खाना खाएंगा, उससे तो अच्छा मैं घर छोड़ के चला जाए। अरे वो घोटाला एलियंस है, एलियंस, ऊपर से मेल एलियन, और वो वर्षा तो खाना बनाने वाली नहीं है, उनको तो चूल्हा भी वो वो। अरे एक मिनट मैन, यू गो ना गेट मी सम वाटर ना, को हिंदी में कैसे बोलेगा? जा लाना, थोड़ा पानी लाना। वेरी गुड। अरे बेटा, अरे वो लोग घोटाला है, उनको तो चूल्हा भी जा लाना नहीं आता है। टोनी भाई, चूल्हा जा लाना नहीं होता, चूल्हा जलाना होता है। मुरली भाई,
जलाने पे एक गाना तो बनता है। तो सुनिए, धोबी के घर में पड़ा डाका तो गधे ने लगाया ठहाका, उठा ले गए गधी को भी डाकू दिखा के लंबा चाकू, पर गधे की नहीं हुई बर्बादी क्योंकि उसने कर ली चट से नई शादी। बर्बाद तो हुआ बेचारा धोबी क्योंकि गधे की बीवी खा गई उसका सारा फूल गोभी। अद्भुत अद्भुत खामखा राजस्थान का नाम खराब किया। ओ झलर, इसमें जलाना कहां से आया? अरे अरे, जब हम ये गाना लिखे थे तो कुछ लोग को सुनाए थे तो बोला सबसे पहले इसको जला देना चाहिए, तो आया ना जलने से। अरे तब भी तुमको जला देना चाहिए था। अरे रॉनी भैया, गुस्सा थूक दीजिए। अरे कहां थूकूं मैन, मैं गुस्सा नहीं है, बस मैं उनका बनाया हुआ खाना नहीं खाने वाला है। अरे मानव, तुम 1.5 साल पहले था नहीं? ओ अंकल, हो जा समझाऊं मैं इसको क्या हुआ था। हाँ बेटा, अरे उन झालरों ने वॉशिंग मशीन में लस्सी बनाई। अद्भुत। और मैंने उन्हें कहा कि मारे को लस्सी नहीं चाहिए, वॉशिंग मशीन दे दो, तो उन्होंने दी नहीं। ये तुम्हारा बाप, उसके ही चक्कर में हमेशा रहेगा। अरे उन लोगों ने हमको खाना मिक्स करके दिया था मैन। हाँ तो कहीं ना थी ओजैन सर, नथिंग। इसके अगले दिन क्या हुआ वो सुन। देखिए कल हमने खाना इसीलिए मिक्स कर दिया था क्योंकि हम आपके दांतों को मेहनत से बचाना चाहते थे। बोलो ना कुछ, तुम भी बोलो। देखिए कल हमने खाना इसलिए मिक्स कर दिया था क्योंकि आपके दांतों को हम मेहनत से बचाना चाहते थे। देखिए कल हमने खाना इसलिए मिक्स कर दिया था क्योंकि हम आपके दांतों को मेहनत से बचाना चाहते थे। देखिए कल हमने खाना इसीलिए मिक्स कर दिया था क्योंकि हम आपके दांतों को मेहनत से बचाना चाहते थे। शिशिर का देखिए। अरे अरे मैं समझ गया मैन, मेहनत बचाना चाहते थे भी, आगे बढ़ो मैन। लॉजिकली इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और कल जो हमने गलती की है ना उसे हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हम वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो इसीलिए सेफ साइड हमने सिर्फ आपको ही आज बुलाया है खाने पे। मतलब आप खाना खाइए और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर हम बाकी कॉलोनी वालों को बुलाएं। वेरी गुड डिसीजन मिस्टर घोटाला। तो ठीक है। हाँ। आइए ना, प्लीज प्लीज बैठिए ना। बैठ। चलो चलो प्लेट वेट लेकर आओ, चलो ना, जाओ जाओ। And bad. स्टार्टर से स्टार्ट करते। पनीर चिली, पनीर चिली खाइए ना। पनीर चिली आप शुरू कीजिए, तब तक हम पूरा मतलब मेन कोर्स ही लेकर आते हैं। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, सारे आइटम अभी लेकर आते हैं ना। बिरयानी 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 थोड़ा अलग अलग हो गया। हाँ बिरयानी। अरे ओ घोटाला जी, ये तो सिर्फ चावल है मैन। सब्जियां ला रही हूँ मैं। जाओ जाओ। तेल मसाला भी लेकर आओ ना। हाँ हाँ हाँ। खीरे का रायता खाना पसंद करेंगे या बूंदी? मतलब है ऑप्शन में बूंदी भी रखी है। लाओ ना शरद जल्दी। ये दाल है, जीरा, गरम तेल, मिर्ची, अदरक, लहसुन, राई, छौंक लगाने के लिए। हो गया ना? नहीं नहीं सॉरी, स्वीट डिश गुलाब जामुन। पापा मैं लेकर आता हूँ। हाँ लेकर आओ, जाओ गुलाब जामुन। क्या कर रहे हो तुम हेमंत, सिर्फ गुलाब लेकर आए तुम, जामुन भी चाहिए। शरद जा ना जामुन लेकर आ। हाँ हाँ जल्दी जा, खाइए खाइए तब तक। वो स्वीट डिश तो अपन वैसे भी एंड में खाते ना, आप शुरू कीजिए। ये देखिए ये मटर, ऐसे डालिए ना मटर पुलाव हो जाएगा। आकर बताइए आपको ये कैसा लग रहा है।
हमने बहुत मेहनत की है कल रात से, है ना, ये सब ऐसी चीजें इकट्ठा करने में। कल तो हमने कसम ही खा ली थी, कल वाली गलती हम दोहराएंगे नहीं किसी भी कीमत पर। इसीलिए सारी चीजें अलग अलग करके दी है, मिक्स नहीं की। अब बोल, अब बोल। रानी अंकल, रानी अंकल, खाना खाओ। सॉरी सॉरी। और तुम चाहता कि मैं फिर से वही गलती दोहराए? मैं उनको ये चांस नहीं दे सकता, सॉरी। रानी भैया सुनिए तो सही, आपका यहाँ रहना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि काकी बात सुनिए, हमारा प्लान सही जा रहा है। अरे लेकिन वो बाहर क्यों जा रही है उसको देख। भावना काकी, भैरवी दीदी को छोड़िए ना। अरे मैं तो होसे होसे छोड़ दूं। क्या? हमारे गुजराती में है ना, ऐसे मन से जो काम करते ना उसको होसे होसे बोलते हैं। वो सब छोड़िए, मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे तू आ मानव। वही तो, प्लान के अकॉर्डिंग रॉनी भैया को शहर छोड़ने से रोक लिया गया, लेकिन अब वो मुद्दा नहीं मानव। तो लाजो के दिल पे जो भीमकाय पत्थर की तरह पड़ा है, मैं उस मुद्दे की बात कर रही हूँ। मल्टीप्लायर टैबलेट खाके तू एक में से तीन हो गया। लाजो को उसमें से जो दो मानव थे उन्होंने ऐसा बोला कि वो लाजो के बेटे है ही नहीं। और तीसरा ओरिजिनल यानी कि तू ऐसा बोल रहा था कि वो दो मानव गलत है, तो उन्होंने तेरे से ऊपर होके ये बोला कि तू गलत है। मामला क्या है मानव? भावना काकी, मैं समझ सकता हूँ कि माँ के दिमाग में इस बात को लेकर बहुत बड़ा टेंशन और ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि वो टैबलेट खाके मेरा दिमाग और बाकी के जो दो रूप थे ना उनका दिमाग भी पूरी तरह से चकरा गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे दो प्रतीकात्मक रूपों ने क्या बकवास की और क्यों बकवास की। अब उन्होंने ऐसी बकवास क्यों की ये अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आत्मा से पूछ कि तेरे अंदर से जो धड़म धड़म करके दो मानव निकले थे वो थे तो तेरे ही दिमाग के दो हिस्से। उन्होंने ऐसा क्यों कहा का जवाब तू अपनी माँ को दे ना दे, मुझे दे दे, मैं तेरा भला चाहती हूँ मानव। भावना काकी मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ। और अब मैं चलता हूँ, हमारे प्लान की बाकी तैयारियां कर। हाँ कल हम कॉलोनी वालों को जो खाना बनाकर खिलाने वाले हैं वो वर्षा से चैलेंज जीतने के लिए नहीं है, बल्कि कॉलोनी वालों को ये दिखाने के लिए है कि पिछले पौने दो सालों में उनके साथ रहकर हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और हम उनके साथ रहने के काबिल हैं। ओके, अब बताओ कैसा करेंगे हम इसे? पापा, हम ऐसा खाना बनाएंगे कि कॉलोनी वाले अपनी उंगलियां काटते रह जाएंगे। काटते रह जाएंगे? हेमंत, उंगलियां काटते रह जाएंगे नहीं होता है, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक मिनट, तू क्यों बोल रहा है बीच में गेंदे? तू रुक ना। अच्छा मेन्यू में क्या डिसाइड करेंगे? मैं सोच रहा हूँ पंजाबी आइटम बनाएंगे। हाँ पापा, मैंने वो सब बना लिया है, फॉलो मी। ये देखिए, ये पंजाबी सूट, ये पंजाबी पटियाला और ये पंजाबी, इसे पहनते हैं गेंडे। ये कुर्ता पटियाला ऐसे ऐसे खाएंगे है? तो चुप रहे ना शिशिर, दिखा दिखा पंजाबी पार्टी में क्या होता है। हाँ। ऐसे आइटम बनाएंगे, वो हरे रंग का था ना और पीले रंग का वो। लेकिन भैया लॉजिकली हमें उनका नाम तो पता होना चाहिए ना, वरना पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज कैसे बनती है, ये हमें अब कौन बताएगा? भैरवी दीदी, उन्हें खाना बनाने के बारे में सब कुछ मालूम है। अरे इसे लेके जा।
के हुआ भावना भाभी? मुरली भाई, आप कोई भी चीज फ्री में मिले तो लेकर जाते हैं ना? हाँ हाँ, के ले जाना है? ए चकुड़ी को ले जाइए। अरे ना, मारे को पागल कुत्ते ने काटा है। भावना काकी, क्यों चिल्ला रही आप इतना? अब क्या किया भैरवी दीदी ने? ए देखो अपने भाई को लेकर आइए। ए तो इसको लेके जाना चाहिए था ना। ये भैरवी का भाई है? भैरवी का भाई तो लड़का था ना? हाँ, अभी भी लड़का है, जिग्नेश। हाँ, ये उससे छोटा। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछ पूछ, आज अलाउड है। इंसानों में ऐसा होता है क्या, एक बच्चा इंसान और दूसरा बच्चा गधा, ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसे इसकी माँ ने गोद लिया था। अच्छा अच्छा, तभी मैं सोचूं। वैसे गोद लिए हुए को संपत्ति में बराबर का हक मिलता है ना, तो इस गधे को भी मिलेगा। ओ एलियन माता। भावना काकी, वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि गधा यहाँ कहाँ से आया? देखना मानव, पहले तो बाद में मंगवा लिया और अब गुस्सा कर रही है। इन्होंने कहा था कि वर्षा भाभी आज रात को हमारे घर पे सोएंगी, तो उसके लिए गधे का इंतजाम करवाना। मैंने कहा था गधे का इंतजाम करना, गधे का। काका मुरली, आप ही बताइए कि इनके बोलने में गलती हुई या मेरे सुनने में? अरे ना ना गुजराती बहू रानी, तू कैसे गलत सुन सकती है? तो पछी 100% भावना भाभी ही गलत बोलती है। अरे ये तो मारे को भी बोल रही थी कि मारे घर जो डिजाइनर स्टील की कटोरी है वो इनकी है। बोल। ओ रेगिस्तानी जहाज, वो कटोरी मेरी ही है। पिछले साल आप उसमें सब्जी लेकर गए थे, सब्जी के साथ साथ मेरी कटोरी भी खा गए। कटोरी कैसे? बाह, आप काका मुरली के बहाने मुद्दे से भटकिए मत। आपने कहा था गधे का इंतजाम कर देना चकुड़ी। अरे मेरी माँ, ओ मैंने ऐसा अच्छी गद्दे का इंतजाम करना ऐसा छींक खाते हुए बोला था, इसलिए शायद तुझे गद्दे की जगह गधा सुनाई दिया। भैरवी दीदी, लेकिन सुनाई दिया तो भी गधा लाने से पहले सोच लिया होता कि वर्षा भाभी और गधे में कनेक्शन क्या है। क्यों? मेरी बा ने कितनी बार कहा है कि चकुड़ी घोटाले तो एक नंबर के गधे हैं, गधे। तो कनेक्शन हुआ कि नहीं? इसका सोने से क्या कनेक्शन? क्यों बा, गधा सोता नहीं है क्या? तो बच्ची, घनचक्कर एक नंबर की तू। ओ भाई साहब, आप इसे ले जाइए। सॉरी आपका टाइम वेस्ट हुआ, जाइए। ओ भाई, उधर नहीं, इधर मारे घर की तरफ। पापा, गधे से क्या काम आपको? अरे बेटा, घर में बहुत सारा सामान पड़ा है कबाड़ी को देने के लिए, अब गधा यहाँ आया है तो उस पे लाद के ले जाऊंगा, टैक्सी का भाड़ा बचेगा ना। चल चल बेटा, राणा जी बचे वो ही उदयपुर। चल भाई चल, आजा बाबू। अरे घर पे कहाँ लेके जा रहे हो? आजा 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 आजा। पापा। ओ मुरली भाई, इसको भी साथ में लेकर जाओ, बंगार वाले को दे देना, लेकिन वो भी नहीं लेगा। ए घोटाला भाई, ओ घोटाला भाई, चुप, घोटाला भाई। हाँ भावना आंटी। भैया, लॉजिकली उधर का टेलीकास्ट इधर चल रहा है, यहाँ का टेलीकास्ट वहाँ चालू नहीं है। भावना काकी आपको स्क्रीन पर सुन नहीं सकती, आप खिड़की से जवाब दीजिए। सब पता है मुझे। कोटाला भाई। हाँ हाँ, बोलिए भावना आंटी। कोटाला भाई, इसे यहाँ से ले जाइए, मेरे दिमाग में शांति होगी तभी तो मैं ये वर्षा को इंसानी तौर तरीके सिखा सकती हूँ ना खाना बनाना। अरे यही तो चाहिए था हमें। हाँ, भेज दीजिए भैरवी को। भैरवी आ जाओ। जा मारी माँ, जा। तो बराबर। बस मैं भी। चुप, इधर ही खड़ी रह। वसंत। क्या हुआ वसंत भैया, मेरी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? मैं बताता हूँ भैरवी दीदी, कल हम फिर से कॉलोनी वालों को दवात देने जा रहे हैं। अरे वाह, साथ में सबको एक एक कलम भी देना मेरे भाई। अरे गेंडे, दावत नहीं होता है, दावत होती है। दावत, दावत तो वो जो जैसे कलम की स्याही जिसमें रखते हैं ना वो। तू शांति रखना प्लीज, तू चुप बैठ, तू चुप बैठ। अच्छा भैरवी, हमें ना पंजाबी खाना कैसे होता है बताओ ना। हाँ, उसमें क्या बड़ी बात है, सुनिए पंजाबी खाना कैसा होता है।